राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वसुंधरा राजे समर्थकों ने बगावत कर दी है। 41 में से 2 दर्जन सीटों पर बागियों ने ताल ठोक दी है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तहत केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बागियों को मनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन बागी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे समर्थक भरतपुर जिले की नगर की पूर्व विधायक अनिता सिंह गुर्जर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी प्रकार बांसूर से पूर्व मंत्री रोहित शास शर्मा ने भी बगावत कर दी है। जयपुर ग्रामीण जिले से वसुंधरा राजे समर्थक जितेंद्र मीना ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं, जबकि बस्सी से ही पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीना समर्थकों से बातचीत करने की बात कह रहे हैं। सांचौर विधानसभा सीट घोषित उम्मीदवार सांसद देवीजी पटेल के खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बीजेपी विधायक राजवी ने दिखाए तेवर। राजस्थान में बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। ऐसे में पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते ही बगावत तेज हो गई। भैरव सिंह शेखावत के दामाद और विधायक नरपत सिंह राजवी टिकट न मिलने से बेहद नाराज हैं। उनका जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट काट दिया गया है। उनके स्थान पर सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। इससे नाराज राजवी ने दिया कुमारी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुगलों के सामने घुटने टेकने वालों के सामने बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है। हालांकि बवाल मचने के बाद वो अपने बयान से पलट गए। विवाद को थामने के लिए खुद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राजवी से उनके आवास पर आधे घंटे तक मुलाकात की और बात की। इसके बाद उनके सुर नरम हो गए, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद रणनीति के बदलने के संकेत भी दिए हैं। सांसद की गाड़ी रोक, काले झंडे दिखाए। सांचौर से सांसद देवीजी पटेल को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बीजेपी कार्यकर्ता देवजी पटेल को टिकट देने से नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ युवक गाड़ी के आगे आ गए, गाड़ी को घेर लिया, लोग आक्रोशित हो गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व विधायक के समर्थक बताए जा रहे हैं देवजी पटेल को टिकट देने से नाराज हैं। सांचौर थाने में सांसद ने मामला दर्ज कराया है। सांसद का कहना है कि कुछ युवकों ने पीछे से हमला कर दिया, मामला दर्ज करा दिया गया है। बीजेपी ने जीत के लिए बदली रणनीति। सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही दावेदार विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जीत के लिए रणनीति बदल ली है। जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है, 9 सीटों पर प्रयोग किया गया है। बीजेपी ने जिन 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, उनमें से पार्टी 39 सीटें हारी थी। इस बार जीती हुई सीटों से भी प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है, जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है।